दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 5 सीरीज के बारे में, Realme 5 और Realme 5 Pro के बारे में। इस दोनों ही फोन में क्या कुछ देखने को मिल जाता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं Realme 5 और Realme 5 Pro में क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें कंफर्म है कि आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा इस दोनों ही फ़ोन में। लेकिन कितने मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन Realme 5 में भी आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको प्राइमरी कैमरा जो है आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। बाकी कैमरा कितने मेगापिक्सल का मिलेगा ये बात अभी कंफर्म नहीं है। और Realme 5 Pro में आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलेगा वो आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा, Sony MX586 सेंसर हो सकता है। और बाकी जो कैमरा होगा उसका मेगापिक्सल पता नहीं है, लेकिन कौन कौन सा कैमरा देखने को मिल जाएगा ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो इसमें आपको जो पहला कैमरा आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि एक सिंपल कैमरा होगा, और दूसरा कैमरा डेप्थ सेंसर होगा, तीसरा कैमरा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, और चौथा कैमरा जो होगा एक माइक्रो लेंस होगा। तो आपको 4 कैमरा दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाएगा, ये बात आपको कंफर्म देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेल्फी की, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल सकती है दोनों ही फ़ोन में। मिलती है या नहीं मिलती है ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो Realme 5 में आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, Full HD+ रिजोल्यूशन होगा या नहीं है ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन HD+ स्क्रीन देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं Realme 5 Pro की, तो इसमें आपको Full HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। हो सकता है कि इसमें भी आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाए, लेकिन रिक्स ऐसी है कि आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो Realme 5 में आपको पीछे की साइड रियर साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन Realme 5 Pro में ऐसा लगता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। अब ये मिलता है या नहीं मिलता है ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन रिक्स और रूमर्स के मुताबिक आपको देखने को मिल सकता है इन डिस्प्ले कैमरा जो कि अभी आपको लेटेस्ट जनरेशन का देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अगर प्रोसेसर की, तो ये बात कन्फर्म है कि Realme 5 में आपको स्नैपड्रैगन 665 मिलेगा, लेकिन Realme 5 Pro में आपको 712 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब आप जानते ही होंगे कि स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, आपको ये वीवो का G1 Pro में भी देखने को मिल जाता है, और ये 15,000 के नीचे फ़ोन आ सकता है मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ये दोनों की प्राइस कितनी हो सकती है। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। रिक्स ऐसे भी है कि आपको इस दोनों ही फ़ोन में से किसी में आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि Realme 5 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए। बात कर लेते हैं अगर फास्ट चार्जिंग की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Realme 5 में आपको वूक चार्ज 3.0 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। Realme 5 Pro में वूक चार्ज 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि 20 वाट से आपके फ़ोन को चार्ज करता है, और ये क्लेम करता है कि 30 मिनट में 55% यानी 55% चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस दोनों ही फ़ोन की बॉडी की, तो दोनों ही फ़ोन आपको सिमिलर देखने को मिल सकते हैं, ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिल सकता है, कलरफुल डिज़ाइन, लेकिन जो इसकी बॉडी मिलेगी वो आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी जो कि हमेशा ही आपको देखने को मिल जाता है ओप्पो या फिर Realme सीरीज़ में। तो आपको इसमें कोई भी ग्लास बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन की बात कर रहे तो आगे की तरफ से डिस्प्ले पे आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आपको 6 का भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताए हैं इस दोनों ही फ़ोन का, हो सकता है कि आपको ये देखने को मिल सकता है या फिर आपको 19-20 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन काफ़ी जो चीज़ें हैं ये आपको कन्फर्म देखने को मिल सकती है, लेकिन ये पूरा कन्फर्म नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आपको इसमें Realme 5 में 660 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, और Realme 5 Pro में आपको 712 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। 4 कैमरा दोनों ही फ़ोन में कंफर्म है, और इसमें आपको डाउट देखने को मिल सकता है कि 4000 mAh बैटरी या फिर 5000 mAh बैटरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इसकी जो प्राइस है ये इस दोनों ही फ़ोन की वो क्या देखने को मिल सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों 20 तारीख को ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा मार्केट में, तो उस दिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सारे फ़ोन के साथ जो कि इसके कॉम्पीट करते हैं, जैसे कि Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro, Vivo G1 Pro, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आपको 15,000 के नीचे देखने को मिल जाते हैं, तो इन सभी फ़ोन से मैं
कंपैरिजन करने वाला हूँ इस फोन से, तो आप हमारे चैनल पे स्टे ट्यून करना, मैं इसके कंपैरिजन वीडियो डाल दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट करें, जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिया गया बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अगर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।